नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर जो नए हैं वो सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा, और इसके पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल से बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो का स्ट्रक्चर जानेंगे और इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, और इसी के साथ हम इसके बाद जानेंगे इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जैसा बताया था कि हमने क्या बताया था, ता रहा है, तार ती रही है, ते रहे हैं, प्लस टाइम दिया होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, प्लस ये पास्ट में होगा, इतना है इसमें डिफरेंट है, उसमें ता रहा है और इसमें ता रहा था होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी पहचान पहले लिख लेते हैं। जैसे पहचान क्या होगी, पहचान होगी दोस्तों इसमें ता रहा था, फिर ती रही थी, फिर ते रहे रहे थे, ठीक है दोस्तों, ते रहे थे। अब ता रहा था मतलब पढ़ता रहा था, पढ़ती रही थी, पढ़ते रहे थे, ऐसे ही यूज होगा, ठीक है दोस्तों। और क्या होगा, प्लस टाइम दिया होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया, इसकी पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? तो दोस्तों, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ का है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैड बीन, और क्या, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। क्या, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया, पहचान पता चल गई, प्लस हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, प्लस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे, और दोस्तों बाकी प्रोसेस ये जितने भी परफेक्ट रहेंगे उसमें सेम रहेगा। क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सब में सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में ही आता है और सब में ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आता है, जैसा आपको पता है। तो दोस्तों, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। अब दोस्तों, ये पहला ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं एक घंटे से इस किताब को पढ़ता रहा था, हमने बोला था ता रहा था, पढ़ता रहा था, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, ये तो पढ़ लिया हमने, समझना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों, इसकी ट्रांसलेट करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट मैं है, आई लिखेंगे, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पढ़ना, रीड बने होता पढ़ना, और आईएनजी ऐड कर देंगे, रीडिंग हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग, फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, इस बुक को, इस मतलब दिस, और किताब मतलब बुक, दिस बुक एक घंटे से, निश्चित समय है अनिश्चित, अनिश्चित समय है, हम यहाँ पे फार का यूज कर लेंगे, फिर क्या है, टाइम है, टाइम कितना, एक घंटे से, वन एन आवर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इतना एन आवर, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, ठीक है दोस्तों। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, निगेटिव में क्या है, हैड बीन के बीच में आप बस नॉट यूज कर देना, आपका निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट हमने बताया, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब सेंटेंस देख लेते हैं इसका। एक तो सब्जेक्ट रमेश है, फिर हैड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, क्यों नेगेटिव है, फिर बीन लगेगा, फिर क्या लगेगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा इंतजार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंतजार करता रहा था। अब वेट माने होता है इंतजार करना, आईएनजी ऐड कर देंगे वेटिंग, फिर क्या है मेरा, फॉर मी कितने, 2 घंटे से। अब यहां निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम, ये भी दोस्तों अनिश्चित टाइम है, तो यहां हम काहे का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर मी फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। क्या रमेश 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं करता रहा था, रमेश हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ में आया। अब हम लोग दोस्त इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव, और क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चंस, क्योंकि इसका यस और नो में आंसर दिया जाता है, ऐसे जो क्वेश्चन और ट्रांसलेशन होते हैं। और टैग क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्योंकि टैग के तौर पर एस टैग नो, यही क्वेश्चन आंसर्स इसके ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू तुम है तो इसके लिए यू लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, करना करते रहे थे, करते डू माने होता है करना, और डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग फिर काम, डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क कितने कब से, फिर क्या लिखेंगे डूइंग, क्या तुम 15 अगस्त 1998 से काम करते रहे थे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, तो इतना डूइंग द वर्क, फिर क्या है ऑब्जेक्ट ये हो गया, फिर सिंस या फॉर यूज होगा, जब भी कभी निश्चित तिथि है ना 15 अगस्त 1998 से, मतलब निश्चित टाइम है, कोई समय दिया हुआ है, मतलब सिंस का उपयोग करेंगे, सिंस, फिर 15 अगस्त 1998, ठीक है दोस्तों 15 अगस्त 1998, तो had you been doing the work since 15 अगस्त 1998, तो दोस्तों पहला सेंटेंस क्या ट्रांसलेशन हुआ, क्या तुम 15 अगस्त 1998 से काम करते रहे थे, had you been doing the work since 15 अगस्त 1998, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं सेंटेंस, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो WH फैमिली होती है, जैसे सभी ने हमने बताया WH फैमिली कौन सी होती है, हॉट हो खोज हूं, ये सब दोस्तों WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जब ऐसे सब क्या क्यों कब कहां, ये सब दोस्तों जब सेंटेंस के बीच में आते हैं हिंदी में, तब दोस्तों इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेट करते हैं, WH फैमिली इसमें क्या है क्यों, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, फिर क्या लिखेंगे हैड। और दोस्तों एक बात बताइए, इसमें स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट कितना है, क्या केवल WH फैमिली का डिफरेंट है, क्या हमने इसमें WH फैमिली ऐड कर दिया, ये डबल इंट्रागेटिव हो गया, बाकी देख लो हैड इसमें हैड इसमें, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, बीन है बीन है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस या फॉर है प्लस टाइम है प्लस क्वेश्चन मार्क है, बाकी सेम है ना, केवल WH फैमिली हमने ऐड किया और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर
रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, हॉय हैड फिर बीन, बिल्कुल सेम प्रोसेस। बीन फिर क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खेलते रहे थे, और प्ले माने होता है खेलना, तो वो आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग। बॉय हैड बीन प्लेइंग, फिर क्या करेंगे सुबह से। अब ये निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम, दोस्तों ये निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये भी आपको सेंटेंस समझ में आ गया ट्रांसलेशन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले हमने प्रेजेंट के सारे चार टाइप्स होते वो बताए, फिर पास्ट के चार टाइप बताए, अब फ्यूचर टेंस की बारी है, तो फ्यूचर टेंस के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे सेशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।